सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को लेकर। जिस खबर का हमें इंतजार था वो न्यूज़ आ चुकी है अभी इरकॉन इंटरनेशनल में। और आप लोग देखोगे स्टॉक आज हमें 1.5% के आसपास गिरते हुए नज़र आए हैं और IRFC आपको फ्लैट क्लोजिंग लेते नज़र आए हैं। एक कमेंट भी आ रहा था एक भाई का कि आप बोल रहे थे कि 30% शेयर टूटेगा इरकॉन इंटरनेशनल। भाई जब तक आप लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे ना, आप लोग ऐसे जो क्वेश्चंस है बेतुके क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहोगे। मैंने क्या बोला क्या नहीं सभी को पता है, और जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी सभी को पता है। मैंने बोला था स्टॉक 22% फिसल चुका है, अगर यहाँ से गिरावट जारी रहती है तो 30% तक करेक्शन आने की संभावना है शेयर में, क्योंकि पीछे शेयरों में इसी प्रकार से मोमेंटम बने थे। ठीक है, हाई जाने के बाद जो शेयर है वो 35-35% है, 30-30% है, वो टूटे थे। तो उस प्रकार से स्टॉक में 30% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आप लोग 22% की रैली जो गिरावट है वो आ चुकी है, तो अब यहाँ से SIP करने का टाइम है, एकदम से पैसा नहीं डालना है। क्या पता अभी हम एकदम से पैसा डालें और स्टॉक जो है अभी नीचे में और टूट जाए, तो इसलिए SIP करने के लिए मैंने बोला था। तो ये हमारे कमिटमेंट थे भाई उस वीडियो के अंदर। लेकिन एक भाई के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आपने बोला 30% क्रैश होगा। 30 भाई आपकी जो ना अभी क्या बोलते हैं, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी हिली हुई है। या तो आप लोग ऐसी ग्राउंड में खरीदारी नहीं कर पाते हो, या फिर आपको मोटा नुकसान हुआ ऊपर के भाव से आपने खरीद रखा है इसलिए आप ये बोल रहे हो। तो इसलिए पहले कंप्लीट वीडियो देखा करो, उसके बाद कमेंटबाजी किया करो। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला है क्या नहीं वीडियो के अंदर वो, तो चलिए आप देख लेते भाई इरकॉन इंटरनेशनल और IRFC इनमें आगे के कैसे क्या मोमेंटम बनेंगे। आज जो गिरावट हुई है वो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कल के दिन आपने देखा होगा इन शेयरों में 8-9% की रैली बनी थी, तो उसके सामने तो 1-2% की गिरावट कुछ भी नहीं है भाई। तो चलिए देख लेते हैं अभी इसके खबर क्या है और उसके बाद चार्ट देखेंगे इनका। और जो भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े अभी टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी RCF जैसी स्टॉक्स आज मैंने सुबह ही एंट्री के लिए बोल दिया था, स्टॉक हमें मोमेंटम पॉजिटिव देते हुए नजर आए, काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके बाद आप लोग देखोगे भी इको लाइटिंग, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ जो कोचिंग शिपयार्ड है मजगाउंड हो गए, ये कल सुबह मैंने मार्केट ओपन होने से पहले बोला था। ठीक है, इरकॉन और IRFC में SIP स्टार्ट करना है, तो इनमें आप लोग देख सकते हो भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो इस प्रकार से आपको बेस्ट क्वालिटी के शेयर मिलते रहेंगे, उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ खबर की, तो आप लोग देख सकते हो भी जो इरकॉन इंटरनेशनल है इनकी तरफ से अपडेट मेंशन की गई है, NSE BSE की साइट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आज 30 तारीख की ये खबर है और यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया आप लोग देखोगे, कंपनी जो ना अभी अपने क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में डिस्क्लोज करते हुए नज़र आ रही है। ये जो ना अभी 8 तारीख की डेट तय कर दी गई है, जहाँ कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स की जो डेट है वो 8 अगस्त तय कर दी गई। तो 8 तारीख को कंपनी के आएंगे भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स, तो तैयार रहना, रिजल्ट्स जैसे आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना भाई। तो चलिए आप देख लेते भी इसके आगे के कैसे रहने वाले हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोगों ने इरकॉन में हमें फिर से रिकवरी देखने को मिली है, ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक जो है फिर से रिकवरी लेते हुए नजर आया। सपोर्ट तो 262 का है और ऊपर में आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस इसका 300 के आसपास स्टॉक आज पहुँचा, लेकिन ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, अभी ऊपर तो निकला ही नहीं इसके। ये अगर इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक सस्टेन कर गया ऊपर में, फिर इसके चांस रहेंगे 330-353 के आसपास जाने के रिजल्ट के आसपास तक। और बाकी खबरें आएंगे वो आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक, हमारा सेकंड है IRFC। आप लोग देखो कि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर अभी के टाइम खड़ा हुआ है, जो कि 192 से 195 के आसपास का है और स्टॉक 195-196 के आसपास क्लोजिंग लिया है। तो इसके चांस देखो भी यहाँ से अगर नीचे आता है तो 170 है, 180 है, उस लेवल के आसपास स्टॉक फिर से आ सकता है, यानी फ्रेश एंट्री के मौके बनेंगे, वो रहेंगे भी SIP के तौर पर। और ऊपर में अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ, स्टॉक ऊपर में रहता हुआ 95 के, तो इसके चांस रहेंगे 210 के या 210 के, और ऊपर में आप लोग देखो फिर टारगेट रहेगा भी 243 का। तो ये हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में आगे। और बाकी देखो भाई खबरें जो आ रही है वो आपके साथ साझा कर ही रहे हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।